हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इन्वर्टर कनेक्शन करने के आसान तरीके के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास एक इन्वर्टर रखा हुआ है, एक बैटरी रखी हुई है, एक स्विच बोर्ड रखा हुआ है। आइए बताते हैं कि किस तरीके से इसे कनेक्ट करते हैं आपस में। सबसे पहले हम बैटरी के वायर, इन्वर्टर वायर जो है, बैटरी वायर, ये बैटरी में कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास एक रेड वायर है और एक ब्लैक कलर का वायर है। ब्लैक कलर का वायर हमारा नेगेटिव वायर कहलाता है और ये रेड कलर का वायर हमारा पॉजिटिव का वायर कहलाता है। और बैटरी पर भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दो पॉइंट्स होते हैं। पॉजिटिव वाले पर हमारा प्लस बना रहता है और नेगेटिव वाले पर हमारे माइनस बना रहता है। अभी पॉजिटिव वायर को हम पॉजिटिव पर कनेक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव पर हमने कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव वाले वायर को हमने बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ये तो हमने केवल क्लिप्स लगाए हैं आपको डेमो के लिए हैं। एक्चुअल में हम ऐसा नहीं करेंगे, एक्चुअल में हम इसे बैटरी के जो वोल्ट होते हैं उससे इन्वर्टर वायर को टाइट करेंगे, क्योंकि हमें अच्छी चार्जिंग के लिए और अच्छी आउटपुट के लिए बैटरी के वायर पर कनेक्शन टाइट होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंडली, हमें जो इन्वर्टर के मेन लीड है इसमें तीन वायर दिए हुए रहते हैं, ग्रीन, ब्लैक और रेड। इसमें ग्रीन वाला वायर हमारा अर्थिंग का वायर है और ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल है और रेड वाला हमारा फेस का वायर है। अब हम इसे मेन लाइन से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा सॉकेट है, यहाँ पर हमारा फेस राइट हैंड पर होता है और ये न्यूट्रल हमारा टेस्टर्स नहीं बताता है, केवल फेस ही बताता है। ये फेस हमारा राइट हैंड पर आएगा तो हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी इनपुट, इसमें आ गई, इन्वर्टर ने हमारे मेन सेंस कर लिया और चार्जिंग करना शुरू कर दी। यानी यहाँ तक तो हमारा स्टेप क्लियर हो गया है। अब आपको इसके आगे के स्टेप बताते हैं। आइए सर, आपको दिखा देंगे। अब इन्वर्टर के पीछे एक सॉकेट रखा होता है, सॉकेट में भी राइट हैंड पर हमारा फेस निकलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पर ही हमारा फेस टेस्टर बता रहा है। यहाँ से हम एक सिंगल वायर निकालेंगे जो कि हमारा इन्वर्टर का आउटपुट वायर होगा और इसी से हम जितने भी घर के जितने बोर्ड हैं सबको इसी से कनेक्शन देंगे, जहाँ जहाँ पर हमें इन्वर्टर कनेक्शन चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड में हमारे कई सारे स्विचेस और सॉकेट वगैरह दे रखे हैं, होल्डर दे रखा है। अब मान लीजिए ये पाँच स्विच हैं, पाँच में हमें केवल इन दो स्विच पर इन्वर्टर कनेक्शन लेना है और बाकी तीन स्विच पर हमें इन्वर्टर कनेक्शन नहीं लेना है। तो आइए इसका तरीका बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इस स्विच पर और इस स्विच पर हमें फिर इन्वर्टर करंट चाहिए है, तो यहाँ पर पहले हमारे एक फेस का वायर आया होगा मेन लाइन का, क्योंकि हमारे बोर्ड में केवल फेस का वायर ही आता है, न्यूट्रल का वायर नहीं आता है, क्योंकि न्यूट्रल का वायर सारे इक्विपमेंट का कॉमन हो जाता है, उसमें हमें स्विच बोर्ड में लाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्विच बोर्ड से हम केवल फेस को ही डिस्कनेक्ट करते हैं। अब इसमें पहले से जो वायर फेस का आया हुआ होगा हम उसे निकाल देंगे, हटा देंगे बिल्कुल। इसकी जगह पर इन्वर्टर से पीछे से हमने जो सिंगल वायर निकाला है फेस का, वो हम लगा देंगे। जैसे हमें यहाँ पर इन्वर्टर कनेक्शन लेना है तो यहाँ पर हमने इन्वर्टर के पीछे से सिंगल वायर है वो लगा दिया है, और इस वाले स्विच पर लेना है तो यहाँ से हमने ये वायर उठाकर यहाँ पर लगा दिया, और जो पहले से वायर लगा वो हटा दिया है। अब यहाँ पर हमने कोई छिड़कानी नहीं की है, यहाँ पर कोई छिड़कानी नहीं की है, बाकी यहाँ पर कोई छिड़कानी नहीं की है, यानी इन स्विच से इन्वर्टर कोई मतलब नहीं रहेगा। इन्वर्टर का मतलब केवल वहीं पर रहेगा जहाँ पर हमने इन्वर्टर का सिंगल वायर निकाला है, यानी लाइट जाने पर हमारी वो सारी चीज़ें तो नॉर्मल वर्क नहीं जैसे करती हैं, लेकिन लाइट जाने के बाद हमारे ये स्विच इन्वर्टर पर काम करेंगे। और इन स्विच पर हमने जो भी लोड दे रखा हो, जैसे बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, CFL, XYZ कुछ भी, वो हमारा इन्वर्टर से वर्क करेंगे। कुल मिलाकर इन्वर्टर वायरिंग का बेसिक यही है कि हमारा बोर्ड में जो भी पहले से फेस आ रहा है हमें उसे हटाना है और उसकी जगह पर इन्वर्टर के पीछे से जो हमने फेस लिया है वो हमें लगाना है। ये इन्वर्टर का बेसिक है और ये बहुत सिंपल तरीका है, इससे आप अपने आसानी से अपने घर में, शॉप पर या कहीं पर भी इन्वर्टर वायरिंग कर सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारी वीडियो? अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।